हेलो फ्रेंड फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम टेक में। फ्रेंड आज एक बार फिर मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड आज आपके लिए मैं एक बार फिर बेस्ट ब्लॉगर टेम्पलेट 2021 की लेकर आया हूँ। फ्रेंड अगर आपको पता हो, मैंने से पहले काफ़ी सारी ब्लॉगर की टेम्पलेट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, नहीं तो फ्रेंड उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। फ्रेंड आज एक बार फिर मैं आपके लिए बड़ी अच्छी और रिस्पॉन्सिव बेस्ट अब तक की सबसे बेस्ट ब्लॉगर टेम्पलेट लेकर आऊँ। फ्रेंड अगर आप देखोगे ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ्रेंड आप उस टेम्पलेट को भी डाउनलोड करोगे और अपने ब्लॉगर को भी अपनी ब्लॉग वेबसाइट में भी उस टेम्पलेट को लगाएंगे। फ्रेंड ये टेम्पलेट इतनी ज़बरदस्त है ना कि आप अपने ब्लॉगर को बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल और बिल्कुल वर्डप्रेस जैसा बना सकते हो। फ्रेंड आपको तो पता है कि वर्डप्रेस में हमें काफ़ी सारे प्लगइन सेटिंग वगैरह मिल जाती है जिसे हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव के साथ एक बेस्ट वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो। मतलब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल बना सकते हो। लेकिन फ्रेंड ब्लॉगर में हमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है, ब्लॉगर में हमें सब कुछ मैनुअल ही करना पड़ता है। आज आपके लिए फ्रेंड इसी वीडियो में मैं यही बस बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट ब्लॉगर की बेस्ट सिक्स ब्लॉगर टेम्पलेट लेके आऊँ। फ्रेंड अगर आप इन टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में तो डेफिनेटली फ्रेंड आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को बिल्कुल ही प्रोफेशनल बनाएंगे। ये बिल्कुल ही दिखने में काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो, काफ़ी खूबसूरत भी फ्रेंड लगती है। फ्रेंड इसमें हो सकता है कुछ टेम्पलेट पुरानी हो, मतलब जो मैंने पहले बता रही हो, तो बाकी फ्रेंड जितनी भी मैं टेम्पलेट बताऊंगा फ्रेंड वो बिल्कुल एकदम नहीं है और बिल्कुल प्रोफेशनल है। वो कौन सी टेम्पलेट कहाँ से मिलेगी जी अब आपको मैं बताता हूँ। उस टेम्पलेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे और अपनी ब्लॉग वेबसाइट में उस टेम्पलेट को लगाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो। अगर आप बेल का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ही ना क्लिक करेंगे डेफिनेटली आप मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट को भी मिस कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दो। आप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्रेंड मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। फ्रेंड वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेटिव के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड आप वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जो फ्रेंड पहली टेम्पलेट है ना उसका नाम है लिनक्स। फ्रेंड ये देखिए जी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल जो टेम्पलेट देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल खूबसूरत लगती है। फ्रेंड आप चाहे तो आप इन्हें डाउनलोड फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे बाय पर क्लिक करके आप इन टेम्पलेट को परचेज भी कर सकते हैं, मतलब इस टेम्पलेट को आप खरीद भी सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप नए ब्लॉगर हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो डेफिनेटली फ्रेंड आप फ्री के साथ भी जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। जब आप कुछ अर्निंग करने लग पड़े तो आप इस टेम्पलेट को परचेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड ये जो आप लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करें, ओपन लिंक के न्यू टैब पर करें, तो फ्रेंड पहले आप इसका प्रीव्यू देख लेंगे ये टेम्पलेट दिखने में कैसी लगती है। इसका आउटपुट देखें फ्रेंड, फ्रेंड ये देखिए जी कितनी प्रोफेशनल और कितनी दिखने में टेम्पलेट कितनी स्टाइलिश लगती है। जहाँ पर फ्रेंड आपका लोगो आ जाएगा, जहाँ पे आपके होम बटन मेगा मीनू आ जाएगा, फीचर जहाँ पर फ्रेंड आपके मीनू हब मीनू आ जाएंगे। फ्रेंड जहाँ पर सर्च बार का आइकन दिया हुआ, जहाँ पर आप क्लिक करके इसमें कुछ भी कोई जो भी आप पोस्ट लिखते हैं, जो भी आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा वो जहाँ पर खत पर क्लिक करके उस पोस्ट का नाम डाल के उस पोस्ट को सर्च करेगा। फ्रेंड ये देखिए जहाँ आप जहाँ जितनी भी पोस्ट लिखेंगे आपकी पोस्ट इमेज और साथ में फ्रेंड उसके ऊपर आपकी जो पोस्ट है उसमें जो भी आप हेडिंग वगैरह देंगे, टैग वगैरह देंगे, वो फ्रेंड जहाँ पर शो कर रहे हैं फ्रेंड आप देख सकते हो, जहाँ पर इमेज आपकी पोस्ट आ गई और आपके टैग ये जो टैग शो कर जाएंगे फ्रेंड आपकी पोस्ट आगे पीछे
आप करके दे सकते हैं। बीच में फ्रेंड आप अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकते हैं, चाहे आप अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूव है तो आप गूगल की ऐड लगा सकते हैं या उसके अल्टरनेटिव बीच में ऐड लगा सकते हैं। फ्रेंड नीचे भी वही हैं जहाँ पर भी आपकी पोस्ट आ गई आपका वो जहाँ पर आपके टैग आ गए जहाँ पर आपकी पोस्ट आ गई रीड मोर पर फ्रेंड क्लिक करेंगे जितनी भी आपने पोस्ट लिखी होगी वो सारी पोस्ट आपका सब्सक्राइबर पढ़ेगा। ये देखिए जहाँ पर फ्रेंड आप जितनी जितनी आप पोस्टें लिखते जाएंगे जहाँ पर उतने नंबर जहाँ पर बढ़ते जाएंगे। अगर आपने 2, 3, 4 जितने आप पेजेस ऐड करेंगे ना फ्रेंड वो पेजेस जहाँ पर ऐड होते जाएंगे। आप आगे करेंगे दूसरे नंबर पर चलेंगे दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे तीसरे पर जितनी जितनी फ्रेंड पोस्टें आप लिखते जाएंगे उतने उतने पेजेस यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड जहाँ पर भी आपकी ऐड आ गई आप चाहे तो गूगल की ऐड लगा लें चाहे एडसेंस के अल्टरनेटिव के लगा लें आपको जो ठीक लगे फ्रेंड आप कर सकते हैं। ये भी टेम्पलेट है बिल्कुल प्रोफेशनल, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे फ्रेंड आप फिटनेस के ऊपर आप कोई आर्टिकल लिखें चाहे आप टेक के ऊपर कोई आर्टिकल लिखें जैसा आप ठीक लगे वह कर रहे हैं। फ्रेंड जय अबाउट फ्रेंड जो वेबसाइट का ओनर होगा आप अपनी वेबसाइट के बारे में जहाँ पर लिख सकते हैं कि किसके रिलेटेड आपकी वेबसाइट है जहाँ पर आपके वेबसाइट का लोगो आ जाएगा। आप चाहे तो ये जो फुटर है भी चेंज कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड आपके होम अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी के पेजी आ जाएंगे। फ्रेंड आपको पता ही है कि गूगल का एडसेंस का प्रूव लेने के लिए हमारे पास होम अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर के पेज होना कितने ज़रूरी। फ्रेंड जहाँ पर आपके जो सोशल मीडिया के लिंक आए आप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी लिंक डाल सकते हैं। आप फ्रेंड हम देखते हैं जब पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी पोस्ट कैसी लगती है उसका आउटपुट कैसा आता है। फ्रेंड ये देखिए जैसे आप फ्रेंड पोस्ट पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर भी ऐड आ गई। फ्रेंड जब आप अपनी किसी भी ऐड नेटवर्क की ऐड आप ऊपर को लगाएंगे ना जियो रिस्पॉन्सिव ऐड कोड के बीच यहाँ पर तो फ्रेंड चांसेस हैं कि कोई ना कोई विजिटर आपकी ऐड पर क्लिक करेगा ही करेगा। जय फ्रेंड विजिटर आपकी ऐड पर क्लिक करेगा तो डेफिनेटली आपकी इनकम जो है इनकम जनरेट होती रहेगी। तो फ्रेंड इसे आप अपनी इनकम जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। हाइड बार में भी फ्रेंड एक और दिया ऐड एरिया जहाँ पर भी फ्रेंड हाइड बार में भी आप अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकते हैं। जहाँ पर आपके फ्रेंड आर्टिकल का आपका टाइटल आ गया जहाँ पर भी आप अपनी इमेजिस के ऊपर भी अपनी ऐड लगा सकते हैं। मतलब फ्रेंड आपके टाइटल के नीचे भी फ्रेंड आप अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकते हैं चाहे तो गूगल की लगा लें चाहे उसके अल्टरनेटिव की लगा लें। फ्रेंड इसके ऊपर भी क्लिक होने के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं जहाँ पर आपकी पोस्ट आ गई इमेजिस आ गई जहाँ फ्रेंड आपका आर्टिकल आ गया जहाँ पर हेडिंग आ गया। फ्रेंड नीचे जाएंगे जहाँ पर भी फ्रेंड नीचे भी आपको एक रिस्पॉन्सिव ऐड जहाँ पर भी आप अपनी लगा सकती हैं चाहे तो गूगल की लगा लें एडसेंस की लगा लें चाहे एडसेंस की अल्टरनेटिव की लगा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। फ्रेंड जहाँ पर आपके टैग आ गए आप जो भी पोस्ट में टैग देंगे वो जहाँ पर शो करेंगे। आपको शेयर की ऑप्शन भी मिलती है आप फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पिंट्रस्ट पे फ्रेंड आप अपने पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। हार्ड बार में फ्रेंड आपकी कैटेगरी आ गई पॉपुलर पोस्ट जितनी फ्रेंड पॉपुलर पोस्ट होंगी आपकी वो जहाँ पर दिखाई देने लग पड़ेगी। आपकी पोस्ट के ऊपर फ्रेंड आपकी कैटेगरी भी शो करेगी जहाँ पर आपके सोशल प्लगइन फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के आप जहाँ पर फ्रेंड यूट्यूब के लिंक डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड कितनी ये प्रोफेशनल और कितनी ये जो टेम्पलेट है दिखने में खूबसूरत लगती है जहाँ पर आपकी पोस्ट आ गई और ऊपर फ्रेंड आपकी कैटेगरी आ गई। आप चाहे तो इस टेम्पलेट का कि इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड ये हुई हमारी पहली टेम्पलेट। अब हमारी फ्रेंड दूसरी टेम्पलेट है उसका नाम है लाइटर। फ्रेंड ये भी टेम्पलेट बिल्कुल प्रोफेशनल है काफ़ी दिखने में खूबसूरत लगती है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फ्रेंड आप ये जो लाइव प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करें राइट क्लिक करें ओपन लिंक न्यू टैब पर आप क्लिक कर लें आप इसका भी फ्रेंड देख सकते हो आउटपुट जहाँ पर फ्रेंड आप अपने अगर आप फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है आप अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं यूट्यूब की
SEO वगैरह करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये फ्रेंड वेबसाइट आके काम किया। फ्रेंड जहाँ पर आप अपना नंबर डालेंगे, ये जो अबाउट ब्लाइटर लिखे कालक, जहाँ पर आप अपना नंबर डालेंगे, आप अपना कोई भी अगर कोई चाहते हो कि आपका हब आपका कस्टमर आपका सब्सक्राइबर या आपका कोई भी सब्सक्राइबर आपका कस्टमर आपका प्रोग्राम ज्वाइन करे, तो फ्रेंड आप जहाँ पर उसका लिंक भी डाल सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड आपके होम मेगा मेनू फीचर डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर मेनू हब मेनू के फ्रेंड आप जहाँ पर आप अपने लिंक डालेंगे, जहाँ पर फ्रेंड आपके सोशल मीडिया के लिंक आ गए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम हर बार आ गया जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ पर आपका विजिटर आके आपकी कोई भी पोस्ट सर्च कर सकता है। फ्रेंड आप इसका खर्च बार भी देख सकते हैं कितना बड़ा है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड आप जहाँ पर अपना कोई भी हेडिंग वगैरह देख सकते हैं, अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आप आर्टिकल लिखते हैं या आपकी वेबसाइट है, कीप रीडिंग फ्रेंड जहाँ पर आप अपनी पोस्ट लिखेंगे और जहाँ पर आप अपनी पोस्ट का लिंक दे लेंगे, फ्रेंड आप जो जो सर्विस सेल करते हैं वो सारी सर्विस आप जहाँ पर उस सर्विस का आप नाम और उसकी इमेज लगा सकते हैं जो आप अपनी सर्विस सेल करते हैं। नीचे फ्रेंड आपकी पोस्ट आ गई और पोस्ट के साथ में फ्रेंड आप जो पोस्ट लिखेंगे उसमें जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी जहाँ पर शो होगी पोस्ट और उसके ऊपर कैटेगरी, नीचे आपकी इमेज आ गई, नीचे आपकी पोस्ट का नाम आ गया। फ्रेंड ये देखिए शो मोर पर फ्रेंड जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे, जितनी भी आप पोस्ट लिखते जाएंगे नीचे शो मोर की फ्रेंड ऑप्शन आती ही रहेगी। ये देखिए रिसेंट में जितनी भी फ्रेंड आपने रिसेंट में जितनी पोस्टें लिखी होंगी वो जहाँ पर शो करती जाएंगी, आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, आपकी इमेज आ गई पोस्ट की, जहाँ पर आपकी पोस्ट की कैटेगरी आ गई। फ्रेंड जैसे मैंने पहले बताया आप जितने पेजेस क्रिएट करते जाएंगे 1 2 3 4 जहाँ पर उसके नंबर उतने शो करते जाएंगे, जहाँ पर फ्रेंड आप अपनी रिस्पॉन्सिव एड लगा सकते हैं, चाहे तो आप गूगल की लगा लें चाहे तो उसके अल्टरनेटिव की लगा लें, आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लें। अब फ्रेंड की इमेज की पोस्ट पर क्लिक करके देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। फ्रेंड ये देखिए इसमें फ्रेंड वही जहाँ पर आपकी पोस्ट का टाइटल आ गया, आप अपनी पोस्ट के टाइटल के नीचे फ्रेंड जहाँ पर भी आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, एडसन की लगाने चाहे एडसन की अल्टरनेटिव। फ्रेंड जब आप पोस्ट के ऊपर अपनी ऐड लगाएंगे तो फ्रेंड क्लिक होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। फ्रेंड साइड बार में भी आ देखते हैं जहाँ पर भी आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, नीचे फ्रेंड आपकी इमेज आ गई और जहाँ पर आपकी पोस्ट आ गई आप पोस्ट भी देख सकते हैं। अब फ्रेंड नीचे फिर आप अपनी सबसे नीचे जहाँ पर भी फ्रेंड आप अपनी ऐड लगा सकते, चाहे तो आप एडसन की ऐड लगा लें चाहे तो अल्टरनेटिव लगा लें, जहाँ पर फ्रेंड आपके टैग आ गए, आप शेयर के ऑप्शन जहाँ पर आप फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड आप जितनी पोस्टें लिखेंगे आगे पीछे फ्रेंड वो नेक्स्ट ऑर्डर शो करता जाएगा। मतलब फ्रेंड आपने जितनी भी पोस्ट लिखते जाएंगे हाइडबार में फ्रेंड जहाँ पर हाइडबार फ्रेंड नेवर और ऑर्डर शो करता जाएगा, नई पोस्ट लिखेंगे तो फ्रेंड आगे और जो पुरानी पोस्ट हो जाएंगी वो फ्रेंड ऑर्डर में शो करती जाएंगी। फ्रेंड जहाँ पर ऑथर का नाम आ गया, जहाँ पर आप अपनी ब्लॉग की वेबसाइट जहाँ ऑथर की डिटेल आप देख सकते हैं, जहाँ पर अपने ब्लॉग का लोगो लगा सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के जहाँ पर लिंक दे सकते हैं। फ्रेंड नीचे आप जितनी पोस्टें लिखते जाएंगे जिस कैटेगरी में आप पोस्ट लिखेंगे उसकी कैटेगरी से रिलेटेड हुए नीचे आपकी पोस्टें शो करती जाएंगी, जहाँ पर फ्रेंड आप ऐड लगा सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकते हैं। फ्रेंड जहाँ पर आपकी कमेंट, जब भी फ्रेंड विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा उसने आपकी पोस्ट पसंद आएगी तो डेफिनेटली फ्रेंड वो जहाँ पर कमेंट करेगा आप उसका रिप्लाई देखते हैं। फिर फ्रेंड नीचे भी जहाँ पर भी आपको ऐड लगाने की ऑप्शन मिल जाती है, फ्रेंड जहाँ पर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकते हैं, चाहे आप एडसन की लगा लें चाहे उसके अल्टरनेटिव की लगा लें। फ्रेंड जहाँ पर अबाउट अस में फ्रेंड आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड जो जिससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट आपके बारे में आप डिटेल देते हैं, अपना लोगो लगा सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड आप अपने मेनू हब मेनू क्रिएट कर सकते हैं, या आप लेटेस्ट पोस्ट प्रीवियस पोस्ट के भी लिंक डाल सकते हैं, यहाँ पर फॉलोअप में फ्रेंड अपने सोशल मीडिया के लिंक डाले फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के, जहाँ पर फ्रेंड आपके पेजेस आ गए, जैसे मैंने पहले बताया गूगल का एडसेंस का फ्रेंड अप्रूव लेने के लिए हमें होम अबाउट कॉन्टैक्ट के पेज
क्रिएट करने कितने ज़रूरी है। थर्ड बार में फिर देखें आपकी कैटेगरी, आप जितनी भी कैटेगरी बनाएंगे उस कैटेगरी जितनी पोस्टें लिखें फिर उस कैटेगरी के साथ उतने ही जितनी तीन पोस्ट लिखें दो नौ पोस्ट लिखें वो नंबर भी साथ में शो करते जाएंगे। लेबल फ्रंट आप जितने भी टैग वगैरह का इस्तेमाल करेंगे वो हर जहाँ पर शो होंगे। आपके फ्रेंड जो पॉपुलर पोस्ट होगी वो जहाँ पर शो होगी। आप सोशल के प्लगइन के लिंक डाल सकते हैं फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर के, जहाँ पर आप अपनी एडसेंस की ऐड लगा सकते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया। फ्रेंड जो टेम्पलेट है ये भी बड़ी अच्छी टेम्पलेट है, आप इसका भी इस्तेमाल फ्रेंड आप कर सकते हैं। नीचे जाते जाएंगे तो फ्रेंड देखिए सोशल प्लगइन जहाँ पर फ्रेंड आप अपनी ऐड लगा सकते हैं। आप गूगल के एडसेंस की जानसन के अल्टरनेटिव की इस्तेमाल अल्टरनेटिव की ऐड लगा सकते हैं। सोशल प्लगइन फ्रेंड फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के आप लिंक डाल सकते हैं। अबाउट मी फ्रेंड जैसे मैंने पहले बताया इसमें जो ऑथर होता है ऑथर जो होता है वो अपनी वेबसाइट के बारे में या अपने बारे में बता सकता है। जहाँ पर आप अपनी ब्लॉग की इमेज लगा सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं। फ्रेंड आप जो भी प्रोजेक्ट वगैरह काम करते हैं उसकी डिटेल वगैरह दे सकते हैं। ये भी फ्रेंड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से किसी प्रकार का आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप इस टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड ये हुई दूसरी टेम्पलेट। तीसरी फ्रेंड हमारी जो टेम्पलेट है COVID-19। फ्रेंड आपको तो पता कोविड का टाइम है तो फ्रेंड अगर आप कोविड से रिलेटेड कोई भी पोस्ट लिखते हैं, कोरोना से रिलेटेड कोई भी पोस्ट लिखते हैं या आपकी कोरोना से रिलेटेड कोई वेबसाइट है डेफिनेटली फ्रेंड आप इस टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करें, ओपन लिंक के न्यू टैब पर क्लिक करके फ्रेंड आप देखें कि जो टेम्पलेट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या डाउनलोड कर रहे हैं उसका आउटपुट कैसा आ रहा है। फ्रेंड ये देखिए कोविड आप जहाँ पर उसकी रिपोर्ट वगैरह देखते हैं, न्यू केसेस कितने, ओल्ड केसेस कितने, रिकवर कितनी हुए, टोटल डेथ कितनी, उसकी आप डिटेल देख सकते हैं। जहाँ पर फ्रेंड आपको ब्रेकिंग पोस्ट भी मिल जाती है कि आप जितनी पोस्टें लिखते जाएंगे ना फ्रेंड वो ऊपर के ऊपर शो करती जाएगी। जहाँ पर आपके आपके पेजेस के लिंक आगे जैसे मैंने पहले ही बताया होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर के आप पेजेस जहाँ पर लगा सकते हैं। आपके सोशल मीडिया के लिंक आगे फ्रेंड आप जितनी पोस्टें लिखेंगे आगे पीछे जहाँ से आप करके भी देख सकते हैं। फ्रेंड इस वेबसाइट की सबसे अच्छी टैम्पलेट सबसे अच्छी बात है इसमें आपको आप अपनी टैम्पलेट में डार्क मोड भी ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड लेकिन डार्क मोड को आप इस्तेमाल करने के लिए इस टैम्पलेट को आपको परचेज करना पड़ेगा। आप परचेज करेंगे तभी फ्रेंड डार्क मोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फ्री में आपको फ्रेंड ये डार्क मोड नहीं मिलेगा। सर्च बार जैसे मैंने पहले आपको सर्च करना जहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी इमेज आगी, जहाँ पर आपकी पोस्ट आगी, जहाँ पर फ्रेंड आप जो कैटेगरी वो कैटेगरी आगी, जहाँ पर ऑथर का नाम आ गया, नीचे आपकी पोस्ट आगी। फीचर सेक्शन फ्रेंड फीचर सेक्शन के ऊपर जहाँ पर आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, चाहे गूगल की एडसेंस की ऐड लगा लें, चाहे एडसेंस की अल्टरनेटिव की लगा लें, फीचर सेक्शन आ गया। आप फ्रेंड चाहे तो इसका नाम बदल सकते हैं, जहाँ पर आपकी पोस्ट आगी, आपकी कैटेगरी आगी, जहाँ पर भी आपकी पोस्ट से रिलेटेड जो भी आप कैटेगरी देंगे, कैटेगरी का नाम आ गया, पोस्ट आ गई, इमेज आ गई, जहाँ पर भी फ्रेंड आपको ऐड लगाने की ऑप्शन मिल जाती है आप अपनी एडसेंस की ऐड लगाते हैं, जिसके फ्रेंड आप जितनी ऊपर लगाएंगे फ्रेंड ऐड के क्लिक होने के चांसेस उड़ते ही बढ़ जाते हैं। फ्रेंड जितनी भी आपने रिसेंट पोस्टें लिखी होंगी वो जहाँ पर शो करेगी, जहाँ पर भी ऐड एरिया में जहाँ पर भी फ्रेंड आप अपनी ऐड लगाते हैं, जहाँ पर आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाते हैं, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप भी आप लिंक लगा सकते हैं। फ्रेंड जहाँ पर आपकी कैटेगरी आ गई, जितनी आप कैटेगरी बनाएंगे लेबल बनाएंगे उससे रिलेटेड पोस्ट है। फ्रेंड नीचे जैसे मैंने पहले बताया लेबल कैटेगरी जितनी बनाएंगे वो हर कैटेगरी जहाँ पर शो करती जाएंगी। न्यूज फ्रेंड जहाँ पर आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, कैटेगरी जहाँ पर भी कैटेगरी आ गई, आप जितनी जिस कैटेगरी में जितनी पोस्टें लिखेंगे उस कैटेगरी में उतने ही नंबर फ्रेंड शो करेंगे जहाँ पर आप अपनी ऐड लगा सकते हैं। बाकी फ्रेंड आप अपने हिसाब से देख लेना, रिसेंट पोस्ट, रेंट पोस्ट, पॉपुलर पोस्ट, जैसे मैंने पहले बताया। अबाउट अस में फ्रेंड आप अपने ब्लॉग के बारे में, वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। आप फोटो अस में सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं। होम अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी के फ्रेंड आप पेज क्रिएट करें। अगर आप एडसेंस का अप्रूव लेना चाहते हैं तो फ्रेंड आप पोस्ट पर क्लिक करके देखते हैं कि पोस्ट पर क्लिक करते हैं उसका आउटपुट कैसा आता है।
जय फ्रेंड हमने कोई पोस्ट पर क्लिक कर लिया, ये जो फ्रेंड हमारी हमारी पोस्ट का ये जो पोस्ट का टाइटल आ गया, जहाँ पर ऐड आ गई, ऐड के जहाँ पर फ्रेंड आप अपनी रिस्पॉन्स की ऐड लगा सकते हैं, नीचे इमेज आ गई, नीचे फ्रेंड आपकी आपकी पोस्ट आ गई, जहाँ पर भी फ्रेंड आप आपके टैग आ गए, टैग के ऊपर फ्रेंड जहाँ पर भी आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, सोशल शेयर के बटन मिल जाते हैं फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर फ्रेंड ऑथर ऑथर आ गया, आप अपने अपनी इमेज लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट की इमेज लगा सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं, जहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड आप रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकते हैं, आपने फ्रेंड जिस कैटेगरी में जितनी पोस्टें लिखी होंगी उसके रिलेटेड पोस्टें जहाँ पर नीचे को शो करती जाएंगी, जहाँ पर कमेंट आ गए, ये भी फ्रेंड टेम्पलेट बड़ी अच्छी है, आप इसका भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। अब फ्रेंड हमारी जो नेक्स्ट टेम्पलेट है उसका नाम है आर्ट आर्ट टेम्पलेट, फ्रेंड ये भी बड़ी अच्छी टेम्पलेट है, आप इसका भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करें, ऊपर लिंक के न्यू टैब पर क्लिक करें। फ्रेंड जितनी भी मैं टेम्पलेट बताऊंगा इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। फ्रेंड ये देखिए ये भी टेम्पलेट बड़ी अच्छी है, जहाँ पर आपके होम आ गया, मेगा मीनू आ गया, जहाँ पर फ्रेंड आपके मीनू सब मीनू आ जाएंगे, जहाँ पर इस टेम्पलेट में फ्रेंड आपको डार्क मोड का फीचर मिल जाता है, जैसे मैंने पहले बताया इसका इस्तेमाल करने के लिए डार्क मोड का आपको इसके लिए ये टेम्पलेट परचेज करनी पड़ेगी, सर्च बार भी आप कुछ सर्च करना जहाँ सर्च कर सकते हैं, नीचे फ्रेंड आपका सर्च बार जहाँ पर भी आ गया, अब अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई आप इमेज वगैरह सेल करते हैं जहाँ पर सर्च करके भी उसे आप ढूंढ सकते हैं, जहाँ पर आपकी इमेज आ गई, जहाँ पर फ्रेंड आपकी कैटेगरी आ गई आप देखते हैं, जहाँ पर फ्रेंड आप रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकते हैं, आपने रिसेंट में जितनी पोस्टें लिखी होंगी वो सारी जहाँ पर शो करेंगी, आप शो मोर पर फ्रेंड क्लिक करेंगे, रिसेंट पोस्ट में जितनी पोस्टें होंगी वो सारी पोस्ट आपको जहाँ पर दिखाई देने लग पड़ेगी। फ्रेंड देखिए लोड मोर पर फ्रेंड जितनी जितनी आप पोस्टें लिखते जाएंगे आपकी जो पुरानी पोस्ट है वो नीचे जाती जाएगी, लोड मोर पर फ्रेंड क्लिक करेंगे और जितनी पोस्टें नीचे चली गई वो सारी पोस्ट फ्रेंड जहाँ पर शो होने लग पड़ेगी, जहाँ पर फ्रेंड आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, जहाँ पर अपने ब्लॉग का लोगो लगा सकते हैं, अपने ब्लॉग के बारे में वेबसाइट के बारे में कुछ डिटेल दे सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड आप होम अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर के पेज लगा सकते हैं। फ्रेंड अब हम की पोस्ट पर क्लिक करके देखते हैं उसका आउटपुट कैसा आता है। फ्रेंड ये देखिए जहाँ पर भी आपकी पोस्ट का टाइटल आ गया, जहाँ पर भी आप अपनी ऐड लगा सकते हैं जिसे फ्रेंड आपके ऐड पर क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी इमेज आ गई, नीचे आपकी पोस्ट आ गई, जहाँ पर भी फ्रेंड आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, जहाँ पर आपके टैग आ गए, आप पोस्ट में जितने टैग देंगे वो जहाँ पर शो होंगे करेंगे, आप फ्रेंड इसे फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर भी आप पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, इसमें आपको व्हाट्सएप शेयर की भी ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया ऑथर के बारे में कि आप अपनी डिटेल दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, जहाँ अपनी डिटेल दे सकते हैं, जहाँ अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं, आपने जिस कैटेगरी में जितनी पोस्टें लिखी होंगी उससे रिलेटेड फ्रेंड उसी कैटेगरी जहाँ पर नीचे पोस्टें शो करने लग पड़ेगी, जहाँ पर आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, या विजिटर को फ्रेंड आपकी पोस्ट पसंद आई तो डेफिनेटली वो कमेंट करेगा ही करेगा, ये नीचे आप देखते हैं ये सारे फ्रेंड कमेंट आपको नीचे को देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड आप हाइड बार में भी देखते हैं, जहाँ पर फ्रेंड आप अपनी ऐड लगाते हैं जहाँ पर भी कमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया ये आपको मोस्ट रिसेंट जितनी भी आपने हाल फिलहाल में रिसेंट पोस्टें होंगी वो जहाँ पर शो कर रहे हैं, हाइड बार में भी आप देखते हैं आपकी पोस्टें शो कर रही है, जहाँ पर आपने जितने लेबल बनाए होंगे वो लेबल शो करने लग पड़ेंगे, जहाँ पर भी आपको सोशल प्लगइन के लिंक मिल जाते हैं फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर के लिंक डाल सकते हैं, आपकी जो कैटेगरी होगी उससे रिलेटेड जितनी पोस्टें होंगी वो जहाँ पर शो करने लग पड़ेगी। इसमें फ्रेंड आपको डार्क मोड फीचर मिल जाता है, जैसे मैंने पहले बताया इसमें भी आपको सर्च बार की ऑप्शन मिल जाती है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आप इस टैंपलेट को भी परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपका लोगो आ गया होम मेगा मीनू, जैसे मैंने बताया आपको मीनू हब मीनू अपने आप
मीनू का मीनू आप जहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप इस टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। फिर क्या रखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फ्रेंड हमारी अगली टेम्पलेट है, उसका नाम है एयरफ्लेक्स। ये भी फ्रेंड बड़ी अच्छी टेम्पलेट है। लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ऊपर लिंक के न्यू टैब पर आप क्लिक करें। इन सब वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड, आपको दे दूंगा। फ्रेंड ये देखिए, जहाँ पर भी आपको होम अबाउट आउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर के आप पेज लगा सकते हैं, जहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया के लिंक लगा सकते हैं। इसमें फ्रेंड आपको डार्क मोड का फीचर मिल जाता है, जहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाता है, जहाँ पर फ्रेंड ब्रेकिंग स्टिकर भी आपको मिल जाता है। आप जितनी भी पोस्टें लिखेंगे ना फ्रेंड, हाल जितनी रिसेंट पोस्टें वो जहाँ पर भी शो करती जाएगी। आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, जितनी पोस्टें आप लिखेंगे, जहाँ पर भी फ्रेंड आपको रिस्पॉन्सिव ऐड की ऑप्शन मिल जाती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड जहाँ पर लगा सकते हैं। फ्रेंड जहाँ हर बार में आप देख रहे हैं, जिस अब आपको कैटेगरी मिल जाती है, जिस कैटेगरी में फ्रेंड आप जितनी पोस्ट लिखेंगे उस कैटेगरी की फ्रेंड आपको सब वो कैटेगरी आपको जहाँ पर हर बार मिल जाती है। फ्रेंड हर बार में आपको आपकी पोस्ट और इमेज भी शो करी दे रही है। ये भी फ्रेंड बिल्कुल प्रोफेशनल, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड मैंने आपको तो बता ही दी, जहाँ पर आपको सोशल प्लगइन के लिंक मिल जाते हैं, जितनी पॉपुलर पोस्ट होंगे जहाँ पर शो करेगी, जहाँ पर फ्रेंड आप अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड जो लगा सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी वीडियो फ्रेंड सबसे बड़ी बात है, अब नीचे आखिर में जहाँ पर आप अपनी वीडियो का लिंक भी लगा सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड आपकी जो रिसेंट पोस्टें होंगी वो जहाँ पर भी शो करेंगी, चाहे आप पोस्ट लिख लें, चाहे आप वीडियो लगा लें। फ्रेंड ये हाँ वीडियो ही है ट्रेंडिंग, फ्रेंड जो ट्रेंडिंग आपकी वीडियो होगी या पोस्ट होगी वो जहाँ पर शो करनी लग पड़ेगी। जहाँ पर फ्रेंड आप अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकते हैं फॉलोअर, फ्रेंड जहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। आप फ्रेंड की वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है, जहाँ पर फ्रेंड आपके लेबल आ गए, मोस्ट रिसेंट जैसे मैंने पहले बताया जो रिसेंट की पोस्टें होंगी वो जहाँ पर शो करने लग पड़ी। अब फ्रेंड की ही पोस्ट पर हम क्लिक करके देखते हैं, तो देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या होता। चाहे तो आप हाइड बार में क्लिक करो फ्रेंड, ये देखिए ये आपकी पोस्ट का टाइटल आ गया, नीचे आपकी गूगल की एडसेंस की ऐड आ गई, जहाँ पर इमेजेस आ गई, फ्रेंड नीचे आपकी पोस्ट आ गई। हाइड बार में फ्रेंड आप देखते लेबल आ गए, आपकी पोस्ट है, अब जो क्या लेबल होंगे, जो पॉपुलर पोस्ट होंगी फ्रेंड वो हाइड बार में जहाँ पर शो करने लग पड़ेगी, जहाँ पर भी आपको सोशल प्लगइन के लिंक मिल जाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के लिंक डाल सकते हैं, जहाँ पर भी फ्रेंड आप अपनी एडसेंस की ऐड लगा सकते हैं, जहाँ पर कमेंट फ्रेंड जहाँ पर जितने भी लोगों ने कमेंट किए होंगे आप जहाँ से कमेंट को देख सकते हैं, जहाँ पर जो भी आप जिस कैटेगरी में पोस्ट लिखेंगे, जो भी आप अपनी पोस्ट में टैग डालेंगे वो जहाँ पर शो करेंगे। फ्रेंड इसमें भी आपको फेसबुक व्हाट्सएप पर अपनी पोस्ट शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो आप पोस्ट लिखेंगे, जिस कैटेगरी में लिखेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी आपने पोस्टें लिखी होगी वो जहाँ नीचे शो करने लग पड़ेगी, जहाँ पर नीचे आपके कमेंट आ गए। फ्रेंड ये भी हुई। फ्रेंड हमारी लास्ट और आखिरी जो टेम्पलेट है उसका नाम है एसईओ इंजन। फ्रेंड अगर आप एसईओ से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड आप इस टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइब्रेरी पर राइट क्लिक करें, ऊपर लिंक के न्यू टैब पर क्लिक करें। फ्रेंड जितनी भी मैंने टेम्पलेट बताई हैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड ये देखिए, ये भी टेम्पलेट फ्रेंड बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड जहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा, जहाँ पर आपका होम मेगा मीनू, जहाँ पर फ्रेंड आपके मीनू हब मीनू आ जाएंगे, इसमें भी आपको डार्क मोड की ऑप्शन मिल जाती है, सर्च बार भी फ्रेंड मिल जाता है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड आपकी पोस्ट आ गई, कैटेगरी आ गई, इमेज आ गई। फ्रेंड जहाँ पर ऑथर की प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, इसमें आप अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं, सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं, जहाँ पर भी फ्रेंड आप सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप।
आपकी जितनी पॉपुलर पोस्टें होंगी वो जहाँ पर शो करेगी। जहाँ पर आपके फ्रेंड कमेंट आ गए, आप जो खर भी खेल करते हैं वो जहाँ पर आप बता सकते हैं, प्रोडक्ट की आप लिस्ट जहाँ पर लगा सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी पोस्ट की इमेज लगा सकते हैं और अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं फ्रेंड। जहाँ पर भी आप अपनी रिस्पॉन्स की वैड लगा सकते हैं फ्रेंड, देखते हैं कि पोस्ट पर क्लिक करके उसका आउटपुट कैसा आता है। जैसे हमने यूट्यूब बूस्ट पर क्लिक किया और फ्रेंड ये कैटेगरी, जिस कैटेगरी पर फ्रेंड हम क्लिक करेंगे उस कैटेगरी में जितनी पोस्टें होंगी वो सब यहाँ पर शो करने लग पड़ेगी। हम एसईओ सर्विस पर फ्रेंड क्लिक कर लेते हैं और फ्रेंड जहाँ पर हमारा टाइटल आ गया, जहाँ पर इमेज आ गई और हमारा टाइटल आ गया, जहाँ पर फ्रेंड हमारी ऐड आ गई, गूगल ऐड की ऐड आ गई, चाहे तो आप गूगल की ऐड लगा लें चाहे अल्टरनेटिव, जहाँ पर इमेज आ गई, जहाँ पर फ्रेंड पोस्ट आ गई, जहाँ पर फ्रेंड टैग, जैसे मैंने पहले ही बताया हम जो भी पोस्ट लिखेंगे पोस्ट में जितने टैग डालेंगे वो सारे टैग जहाँ पर शो करेंगे उसके ऊपर फ्रेंड। जहाँ पर भी आप अपनी रिस्पॉन्स की वैड लगा सकते हैं, चाहे गूगल की लगाएं चाहे गूगल के अल्टरनेटिव लगाएं, इसमें फ्रेंड आपको फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, शेयर के बटन आपको मिल जाते हैं। जहाँ पर भी फ्रेंड ऑथर आ गया, आप अपनी ब्लॉग की या वेबसाइट की मेल लगा सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का बारे में बता सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं। फिर आप जो जिस कैटेगरी में आप जो पोस्ट लिखेंगे उसके रिलेटेड जितनी भी आपने पोस्टें लिखी होंगी उस कैटेगरी में नीचे वो सारी पोस्टें शो करने लग पड़ी। फिर जहाँ पर कमेंट आ गए, जहाँ पर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकते हैं, जहाँ पर भी कमेंट साइड बार में फिर देखते हैं जो भी आपकी फ्रेंड पॉपुलर पोस्टें होंगी, रिसेंट पोस्टें होंगी, वो साइड बार में शो करेगी, लेबल शो करने लग पड़ेंगे, पॉपुलर पोस्ट में जहाँ पर आपकी शो करने लग पड़ेंगे। आप अपने सोशल मीडिया के भी लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के। फिर मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्रेंड हो सकता है वीडियो लंबी होगी हो, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखें, आप जो आपको पसंद हो वो टेम्पलेट को पहले चेक करें, फिर उस टेम्पलेट को डाउनलोड करें और अपनी ब्लॉग वेबसाइट में उस टेम्पलेट को आप लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराएं। फ्रेंड मैं ऐसी नई वीडियो के साथ आपको जल्दी ही मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.